काम नहीं होते। तो मनरेगा की बहुत उपलब्धियां है और जनता के लिए, किसानों के लिए क्या करती है, क्या किया है कांग्रेस ने? जैसे ये समस्याएं हैं जो आवारा पशु की। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजक विजय पासी जी, जिनकी मेहनत आपकी बहुत बहुत आभारी है। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हमारे फरहान वारसी जी, जो कि कई दिनों से यहीं पे, हमारे संगठन के सभी उपाध्यक्षगण, महासचिवगण, सचिव, ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष, इस तरह से आप लोग संगठन का सहयोग बराबर दे रहे हैं। वैसे ही हम सबके अगुवा मार्गदर्शक, हम सबके अगुवा मार्गदर्शक जो प्रियंका जी ने यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग की है, उनको भी, जो ऑर्गेनाइज किया है, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस झंडक में भी आप लोग अपनी पूरी क्षमता के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में संगठन सृजन का कार्यक्रम कर रही, न्याय पंचायत स्तर पर जाके संगठन बना रही है, आज अमेठी में शुरुआत हुई है। प्रियंका गांधी जी वर्चुअल माध्यम से अमेठी के लोगों को संबोधित किया है। हमेशा राहुल गांधी जी भी, प्रियंका गांधी जी भी कहते रहे हैं अमेठी उनका परिवार है। जब वो सांसद थे तब भी, आज भी वो अमेठी को परिवार मानती हैं। उन्होंने अमेठी के लोगों से बात की है और अमेठी में जल्द से अभियान शुरू करने का उन्होंने वादा किया। जिस तरह अमेठी के लोगों से वो जुड़ी रही हैं, राहुल जी जुड़े रहे हैं संगठन के माध्यम से जुड़कर, इस बात का आह्वान किया है कि आज जो भी, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, उद्योग धंधे हो, जितने भी काम हैं कांग्रेस पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या बसपा सपा की सरकार आने के बाद उन्हें बंद करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश का भी सृजन चाहती है, फिर से उत्तर प्रदेश चाहती है जो 30 वर्ष से बेहाल है। कांग्रेस पार्टी के जाने के बाद से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए नहीं काम हुआ। विभिन्न पार्टियों ने जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर अपने विकास किए और उत्तर प्रदेश को पीछे किया। तो कांग्रेस पार्टी संगठन के माध्यम से आज न्याय पंचायत तक पहुंची है, न्याय पंचायत तक के संगठनों का सृजन कर रही है, ग्राम सभा का चयन करेगी, ग्राम सभा कमेटियां बनाएगी, बूथ कमेटी बनाएगी और ये तैयारी 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए है, जिसके लिए प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर पूरा उत्तर प्रदेश अमेठी संकल्पबद्ध सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। जिस तरह से आपकी पार्टी किसानों के साथ थी और कल जिस तरह से किसानों का जो प्रदर्शन था, जो जिस तरह से उन्होंने किया, इस पे आपका क्या कहना है? कल की घटना को देखते हुए पुरानी फिल्में याद आई, नायक फिल्म देखी थी जिसमें जिस तरह से रोल प्ले किया गया था आतंक के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी कलई खुल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव संचालन करने वाला व्यक्ति पुलिस के सहयोग से वहां पहुंचता है। कांग्रेस पार्टी मांग करेगी इस पूरे प्रकरण को, हुड़दंगियों की जांच कराए, भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन क्या था, सनी देओल का कितना हाथ था, सनी देओल ने किसके इशारे पर उसको वहां प्लांट किया। किसान आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है और कांग्रेस पार्टी जोड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है, राहुल गांधी जी हर मन से इस बात को कह चुके हैं कि तीनों काले कानून जो किसानों के विरोध में हैं, उद्योगपतियों कहने से लागू किए गए हैं, वो तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएँ। किसान के साथ पूरा देश खड़ा है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। सरकार के सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं, चाहे कल का रहा हो, चाहे पुराना कोई हथकंडा रहा हो, अब वो न देश मानने को तैयार है, न किसान मानने को तैयार हैं। जिस तरह से भाजपा आरोप लगा रही है कि जो किसान नेता जो लाल किले से जिस तरह झंडा उतारा है, ये खालिस्तानी है, ये किसान नेता नहीं है, क्या कहना है इस पे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी अक्षम सरकार होगी, न देश को पता था, न भारतीय जनता पार्टी वालों को पता होगा। खालिस्तानी बात भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले से कहते आ रहे हैं, 50 दिन से ज़्यादा बीत गए, अभी तक ये अक्षम सरकार, इनका इंटेलिजेंसी, इनकी पुलिस, इनकी आईबी अभी तक पता नहीं कर पाई। अब तो स्पष्ट हो गया, ये प्लांट जो किया गए थे खालिस्तानी, जो प्लांट किए गए थे नारे, जो कल हुड़दंग किए थे लाल किला पर, वो स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और भारतीय जनता पार्टी को देश जनता जवाब देना पड़ेगा कि सत्ताधारी दल किस तरह से हुड़दंग फैलवाते हैं और किसी मूवमेंट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मोदी जी ने कहा था वो चौकीदार हैं, वो सेवक हैं, तो यह स्पष्ट हो गया वो सेवक जरूर हैं लेकिन देश की जनता के नहीं, वो सेवक हैं कुछ चंद उद्योगपतियों के।